My name is Samra Maqsood, your Math instructor from Tutoria.pk. Today we discuss the chapter number one of your first year maths book. Let us start with this number system. What is a number system? Around 5000 BC, Egyptians had made a number system which are based on ten. इस नंबर सिस्टम में जो है बहुत फ्लॉज थे आहिस्ता आहिस्ता ये जो है नार्जमेंट की तरफ चलता गया और हमारे पास जो है ना रियल नंबर्स की डिस्कवरी होगी जो सबसे पहले हमारे पास नंबर डिस्कवर हुआ था वो था नेचुरल नंबर आइए देख लेते हैं एक डायग्राम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर डिस्कवर हुए थे उसके बाद हमारे पास वॉल नंबर आए थे नेचुरल नंबर्स आर कॉन्टेंड इन वॉल नंबर्स देन इंटीजर्स उसके बाद जो रैशनल और इ नंबर्स थे उनकी यूनियन से हमें रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट मिल गया सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या है अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यू अगर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास इंफिनिटी आ जाएगा जो कि एक नंबर नहीं है रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है कि किसी भी नंबर के हम डेसिमल के बाद की प्लेस को काउंट कर सकें प्लेसेस या डिजिट्स को काउंट कर सकें उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं रिकरिंग डेसिमल वो होता है जो डेसिमल के बाद एक या एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा हो किसी ख़ास पैटर्न से उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं ये एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट टू फाइव जो है हमारे पास क्या है पॉइंट टू फाइव के बाद सिर्फ हमारे पास दो डेसिमल दो डिजिट्स हैं तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और ये रेशनल नंबर है पॉइंट थ्री थ्री इज़ कंटिन्यू लेकिन थ्री जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार तो ये रिकरिंग डेसीमल है सो इट्स आ रेसनल नंबर इसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं अच्छा रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी लेकिन रिकरिंग का होना शर्त है इसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर इ नंबर आ जाते हैं इ रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं और ऐसा नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्केर रूट नहीं एग्जिस्ट करता उसको भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं अंडर रूट टू हम देख सकते हैं कि इस नंबर में हमारे पास जो है वो डेसिमल के बाद जो प्लेसेस रिपीट हो रही हैं वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न से नहीं हो रहे इसी तरह पाए जो है वो वेरी फेमस इरेशनल नंबर है ये एक डायग्राम से हम देख सकते हैं नंबर सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ टू रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स एंड देन रियल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू रेशनल एंड इन नंबर्स इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स सबसे पहली जो है अगर हम रियल नंबर्स को अंडर एडिशन स्टडी करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास आती है क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब है कि अगर दो नंबर हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो उनका सम भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा हमारे पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन अगर हम तीन नंबर लें रियल नंबर से और अगर हम क्या करें कि आखिरी दो नंबर को ऐड करें और उसमें पहला नंबर ऐड करें और अगर हम पहले दो नंबर ऐड करें और तीसरा नंबर उसमें ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या है सेम आए तो वो एसोसिएटिव लॉ होता है उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या है कि हम एक नंबर में कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारे पास वही नंबर वापस आ जाए सो ज़ीरो इज़ डैट नंबर ए प्लस ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है ए वापस आ जाता है तो ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स हम एक नंबर में क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आ जाए तो हम क्या करेंगे ए में क्या ऐड करेंगे माइनस ए तो आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो कम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ए प्लस बी हम करें तो वो किसके बराबर होना चाहिए बी प्लस ए इसके बाद यही प्रॉपर्टीज हम अंडर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ में कॉल सबसे पहला जो लॉ आता है वो है क्लोयर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन कि अगर दो नंबर रियल नंबर से लें और उनके उनका प्रोडक्ट जो होगा वो किस में लाइक करेगा रियल नंबर्स में उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसमें क्या है कि अगर हम तीन नंबर लें और आखिरी दो को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट करें और अगर हम पहले दो को मल्टीप्लाई करें और फिर थर्ड मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास सेम आए तो हम क्या कहेंगे ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है वो क्या होती है कि हम किस नंबर से एक नंबर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास नंबर चेंज ना हो यानी वही रिज़ल्ट आ जाए तो एक को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ए आ जाए एक को हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है वन सो वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि हम नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए यानी वन आ जाए तो ए के साथ हम वन ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ मल्टीप्लाई बाय वन बाय ए करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा वन कम्बेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर हम दो नंबर रियल नंबर से लें और उनको हम जगह चेंज कर दें यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर बी ए को करें आंसर हमारे पास क्या आए सेम आए तो हम क्या कहेंगे कम्बिटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जब हमने देखा हमारे पास केयर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर अपीयर हो रहा है तो वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था वो रियल में रियल नंबर में लाइन नहीं कर रहा था तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन हो गई कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है आइए देखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स एंड वी कैन से एक्स इज़ अ रियल पार्ट एंड वाई इज़ एंड आटा वाई जो है वो सेकेंड पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है ये से हम देख सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर है ये इसका रियल पार्ट है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स यानी अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उसका क्या मतलब है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजनेरी पार्ट इमेजनेरी के इक्वल होगा और अगर हम दो कम्प्लैक्स नंबर को सम करना चाहें तो हम कैसे सम करेंगे हम क्या करेंगे रियल पार्ट को रियल में सम कर देंगे ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को ऐड कर देंगे अगर हम एक कंप्लेक्स नंबर के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा वही स्केलर जो है वो रियल पार्ट के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और कंप्लेक्स पार्ट के साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके बाद हमारे पास है अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे रियल में रियल पार्ट को माइनस कर देंगे और कम्प्लेक्स पार्ट में कम्प्लेक्स को माइनस कर देंगे यानी ए माइनस सी और बी माइनस डी उसके बाद अगर हम दो कम्प्लैक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन हमारी वैसे ही होगी जैसे हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं बट फर्क ये होगा कि यहाँ पर हम रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और कम्प्लेक्स पार्ट को अलग कर लेंगे जैसे हम लिख सकते हैं इसको हम सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ए सी माइनस बी डी एंड ए डी प्लस बी सी ए डी प्लस बी सी इज़ द कम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट है कंजुकेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कंजुकेट का क्या मतलब है कि अगर हम हमारे पास ए प्लस आयोटा बी का एक कम्प्लेक्स नंबर है और अगर हमने इसका कंजुकेट लेना है तो हम क्या करेंगे इमेजनिंग पार्ट अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे और अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है माइनस टू तो उसका कंजुकेट क्या होगा माइनस टू क्योंकि इसका कम्प्लेक्स पार्ट क्या है जीरो ये एग्जांपल्स भी लिखी हुई है अगर फाइव प्लस फोर आयोटा को हम कंजुकेट लें तो वो क्या आता है फाइव माइनस फोर आयोटा कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स उसका क्या मतलब है जो हमने प्रॉपर्टीज पीछे स्टडी की हैं उन्हीं को हम ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है ए कोमा बी या एक्स कोमा वाई इस तरह हम जो लिख लेते हैं उनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं तो हम लिख सकते हैं सम को हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम प्लस कर रहे हैं दो कम्पलेक्स नंबर को तो हम उनको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लिख लेंगे उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने सम करना है डिफरेंस करना है प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं पहले सम फाइंड कर लेते हैं लिख लेते हैं सम ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है तो हम इसी को लेके चलेंगे एट नाइन प्लस फ़ाइव कॉमा माइनस सिक्स अगर हम इनको प्लस करें तो हम क्या है रियल पार्ट यानी जो पहला हमारे पास है वो ये रियल पार्ट है और यहाँ पे फ़ाइव है तो हम इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एट प्लस फ़ाइव कॉमा नाइन प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ नाइन माइनस सिक्स एट प्लस फाइव इज़ थर्टीन नाइन माइनस सिक्स इज़ थ्री ये हमारे पास सम आ गया अगर हमने डिफ्रेंस लिखना है तो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास एट नाइन माइनस फाइव माइनस सिक्स एट माइनस फाइव कॉमा नाइन जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस अभी लिख लेते हैं ऐसे तो ये क्या आ जाएगा एट माइनस फाइव इज़ थ्री नाइन माइनस माइनस आप ये देख सकते हैं क्या हो जाएगा प्लस नाइन प्लस सिक्स इज़ फिफ्टीन अगर हमने प्रोडक्ट लेना है तो हमारे पास पीछे हमने देखा है क्या हमने इसको इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था ए सी माइनस बी डी ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी अब ए हमारे पास यहाँ पे क्या है पहले मैं ऑर्डर पेयर लिख लेती हूँ एट नाइन कॉमा डॉट प्रोडक्ट को शो करा फाइव माइनस सिक्स ये मेरे पास ए है ये बी है और ये क्या है सी है और ये डी है अगर हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करें और इसको देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है ए सी ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एट फाइवर फोर्टी और माइनस बी डी माइनस बी डी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स इज़ माइनस फिफ्टी फोर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और अगर हम ए डी करेंगे तो ए डी मेरे पास क्या आ जाएगा एट मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स इज़ माइनस फोर्टी एट प्लस हमारे पास ये फॉर्मूले में आ रहा है बी सी हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास नाइन फाइव फोटी फाइव और अगर हम इसको लिख लें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा नाइन्टी फोर माइनस थ्री इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स कि अगर हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कम्प्लेक्स नंबर की वो जीरो जीरो होगी यानी उसमें रियल पार्ट भी जीरो है इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो है अच्छा कम्प्लेक्स नंबर का हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा माइनस ए कॉमा माइनस बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है वन जीरो क्योंकि वन जीरो ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कम्प्लेक्स नंबर से तो आंसर हमारे पास ए कॉमा बी ही आ जाता है जो भी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका क्या करेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जेट करेगा और वो क्या होगा इस फॉर्म का होगा ये कहाँ से आता है हमारे पास अगर हम देखें वन प्लस ए आयोटा बी एक कम्प्लेक्स नंबर है अगर हम इसको रैशनलाइज कर लें और इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है ये वाली ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इसके बाद हमारे पास आती है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कि हम अपने एक्स वाई प्लेन में कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं एक्स वाई प्लेन ले लेते ले हैं एक्स वाई प्लेन में हम एक्स को जो है वो रियल एक्सेस कह देते हैं और वाई को इमेजिनरी एक्सेस कह देते हैं अब ये जो हो जाएगी रियल और इमेजिनरी एक्सेस क्या बना देगी ये जी प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन इसे हम बोलेंगे एक पॉइंट ले लेते हैं और हम इसको देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेक अ कम्प्लेक्स नंबर ए थ्री प्लस टू आयोटा और मैंने इसको प्लॉट करना है अपने कम्प्लेक्स प्लेन में ये मेरे पास एक्स एक्सिस है जिसको मैं कम्प्लेक्स प्लेन में रियल एक्सिस का नाम दे रही हूँ और ये मेरे पास वाई एक्सिस है इसको मैं इमेजनरी एक्सेस का नाम दे रही हूं थ्री मीन रियल कितना है थ्री वन टू थ्री टू मीन वर्टिकल हम ऊपर जाएंगे दो पॉइंट्स ऊपर तो हम गए तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री प्लस टू आयोटा ये हमने प्लॉट कर लिया इसके बाद है पोलर फॉर्म ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर वो क्या है इसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए एक्स वाई उसको बोल देते हैं उसके बाद हम उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा बना रहा है ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ओ एम ए इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो थीटा के सामने वाली साइड है वो क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर और ये क्या है 90 एंगल तो 90 के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी हाइपोटेन्यूज तो हम ये लिख लेते हैं हम देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यहाँ बेस क्या है एक्स और हाइपोटेन्यूज को हम आर का नाम दे रहे हैं आर इज़ द मोड ऑफ जी एंड साइन थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हमारे पास वाई है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है आर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इज ईकल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज ईकल टू आर साइन थीटा इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ एनी नंबर अब हमारे पास आर क्या है Mode of Z है और थीटा क्या है टेन ओवर x और उसको हम क्या बोलते हैं आर्गोमेंट ऑफ जी भी बोलते हैं इसके बाद हमारे पास आता है डी मोरवियस थ्योरम डी मोरवियस थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा एन कोई भी पावर हो सकती है जो इंटीजर होगी तो वो पावर क्या होगी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी एंगल के साथ यानी ये क्या हो जाएगा कॉज एन थीटा और आयोटा साइन एन थीटा हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है सबसे पहले हम क्या करेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो अभी हमने पढ़ी है तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्या है एक्स जो है वो हमारे पास क्या है अंडर रूट थ्री विच इज़ इक्वल टू आर कॉज थी एंड वाई यहाँ पर क्या है आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा वन तो वन आर साइन थीटा आर हम निकाल लेंगे वो क्या होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट जब हम यहाँ से आर निकालेंगे तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा टू उसके बाद हम थीटा निकाल लेते हैं थीटा हमारे पास क्या होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स तो वाई ओवर एक्स करने से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स वन ओवर अंडर रूट थ्री विच इज़ इक्वल टू थर्टी डिग्री फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको देख लेते हैं आगे यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री आर हमारे पास क्या है टू तो r उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो अंडर रूट थ्री बाई टू इज़ इक्वल टू कॉस थीटा एंड वन ओवर अंडर रूट वन ओवर टू इज़ इक्वल टू साइन थीटा ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई है अब हमने क्या करना है अब हम इस पर डीमॉरवियस थ्योरम लगा लेते हैं आर क्यूब हमारे पास डी थ्योरम क्या था अगर हम देखें तो वो क्या है कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा आर हम बाहर निकाल लेते हैं आर हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है टू आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा टू का क्यूब चले पहले हम लिख लेते हैं आर क्यूब कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा एन यहाँ पर हमारे पास क्या है थ्री तो ये हम देख सकते हैं अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास टू क्यूब कॉस एन क्या है हमारे पास थ्री और जब ये एंगल से मल्टीप्लाई होगा तो नाइन्टी आ जाएगा अभी लिख लेते हैं हम आयोटा साइन एन क्या है थ्री और थर्टी तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये टू क्यूब क्या आ जाएगा एट और ये क्या आ जाएगा कॉस नाइन्टी प्लस आयोटा साइन नाइन्टी कॉस नाइन्टी ज़ीरो तो ये जीरो हो जाएगा और साइन नाइन्टीज़ वन तो हमारे पास क्या आ जाएगा एट आयोटा तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेपरेट हो गया है रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसका रियल पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो और कम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास क्या है एट होप सो आपको ये चैप्टर वन की समरी समझ आई होगी अब तक के लिए अपनी मैडम समरा मकसूद को टटोरिया डॉट पी के से इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज